लोकसभा इलेक्शन के चलते गुलबर्गा केबीएन कॉलेज ऑडिटोरियम हॉल में इंटेलेक्चुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा मेंबर रणदीप सिंह सुरजेवाला तशरीफ लाए थे। इस इंटेलेक्चुअल मीटिंग में गुलबर्गा शहर से तमाम मुख्तलिफ फील्ड से डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन, सोशल एक्टिविस्ट और दीगर कई दानिशमंद लोग यहां मौजूद थे। और साथ ही यहां गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियांक खरगे, नॉर्थ एमएलए कनीस फातिमा, डीसीसी प्रेसिडेंट जगदेव गुत्तेदार, डॉक्टर सैयद मुस्ताफा हुसैनी साहब, फराजुल इस्लाम, मजार आलम खान, नईम खान, अहमदुल इस्लाम, सैयद अहमद, अजमल गोला और दीगर कांग्रेस पार्टी लीडर्स, कॉरपोरेटर्स, पार्टी वर्कर्स यहां मौजूद थे। तमाम इंटेलेक्चुअल्स की मौजूदगी में रणदीप सिंह सुरजेवाला के अलावा प्रियांक खरगे, डॉक्टर मुस्ताफा हुसैनी साहब और एमएलए कनीस फातिमा ने मौजूदा सियासी हालात पर बात करते हुए कहा, इस बार का इलेक्शन किसी एक पार्टी को वोट डालने तक मायन नहीं है। इस बार के इलेक्शन में हर एक शख्स को अपना वोट देश को बर्बाद होने से बचाने और दस्तूर हिंद की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और दीगर कई ऐसे मुद्दों पर बात की गई जिससे मोदी के राज में देश को नुकसान हुआ है। इस इंटेलेक्चुअल मीटिंग से जुड़ी मजीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। This video presented by Sabha International School Gulbarga. Students getting both Islamic and modern education from well-qualified teachers. Indoor and outdoor games and receive care from dedicated staff. Air conditioners, smart classes. Admission are now open. Contact for more details. In 10 साल में बीजेपी ने हमें जो जख्म दिए, घर वापसी, हलाल कट, अजां, हिजाब, एनआरसी, सीएए, यूनिफॉर्म, सिविल कोड, 4% रिजर्वेशन और भी कई मुद्दे ऐसे उठाकर सिर्फ एक समुदाय के लोगों को टारगेट किया गया है। आप बताइए, क्या ये इंसाफ है? क्या इसको गवर्नमेंट चलाना कहते हैं? इसको तानाशाही कहते हैं। बीजेपी वालों को अहंकार बहुत है इनका कि इनको कोई हरा नहीं सकता। और कांग्रेस का आत्मविश्वास आप ही से है और आप ही के लिए कांग्रेस काम करेगी। मैं आप लोगों से फिर से गुजारिश करूंगा कि कांग्रेस का साथ दीजिए और ये वोट आपका हक है और इस हक को जाया मत कीजिए। घर के हर फर्द के साथ अपनी वोटिंग को पूरी कीजिए और कांग्रेस को कामयाब कीजिए। हमको सिर्फ एक दिन वोटिंग के दिन हमको ज्यादा मेहनत करना है और वोटिंग के दिन बाहर सबको निकाल कर वोटिंग कराना है। तो आप लोगों की इतनी जिम्मेदारी है और आप जो हमारे जो लीडर्स जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल हमको देना है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के हाथ हमको मजबूत करना है। आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को जिताना है। इंशाल्लाह ताला हिंदुस्तान में हमारी हुकूमत आएगी तो हमको फिर कई साल आएगा, हमको सोचने की जरूरत नहीं है। हम आराम से, हम सुकून से हम अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, हमको कोई टेंशन नहीं रहेगा। 5:30 को साहब का फ्लाइट है और हम भी जाना था। फिर एक बार हम आपके एरिया में आके आपसे मुलाकात करेंगे, सब लोग के कम्युनिटी से भी मुलाकात करें। परसों ऑलरेडी एक मीटिंग हो गई है तो मैं आपकी दरख्वास्त करता हूँ कि आज एक दिन थोड़ा मुझे माफ़ कीजिए और हमसे घर की मुर्गी दाल बराबर जैसे है। थैंक यू सो मच। के लीडर की और पार्टी की जबान की गारंटी होनी चाहिए, जो वो कह दे वो बात पूरी हो। आपके यहाँ सबसे बड़ा उदाहरण खड़गे साहब है, जो आपके आपके तो हर दिल अजीज हैं, इस इलाके के लीडर तो हैं, पर मुल्क में एक व्यक्ति ऐसा है जो किसी नौजवान से नौजवान व्यक्ति से भी आगे बढ़कर राहुल जी और वो दोनों मिलकर इस पूरे मुल्क में अगर कोई मोहब्बत की बात और खुशबू फैला रहा है तो उस व्यक्ति का नाम मल्लिकार्जुन खड़गे। मुझे फख्र है, मुझे फख्र है कि मुझे आप लोगों के बीच आने का मौका मिला, जो उनमें से उनके बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे अजीज यहां बैठे हैं। पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, हम मुल्क को बदलना चाहते हैं। कांग्रेस की जब पिछली बार सरकार थी तो हमने एक राइट्स पैराडाइम बनाया, लोगों को अधिकार दिया कि वो सरकार के मालिक बने। अगर भोजन का अधिकार था, आज अगर मोदी जी बात करते हैं 95 करोड़ या 90 करोड़ परिवारों को राशन की, तो बता नहीं पाते कि राशन का वो अधिकार जो है वो कांग्रेस ने कानून बनाकर दिया था 2 रुपए किलो का। पब्लिसिटी की उन्होंने 80,000 करोड़ की, केवल 2 रुपए किलो ही छोड़ा, वो 18,000 करोड़ साल का बनता है। 80,000 करोड़ की अपनी फोटो लगा ली तो वो कांग्रेस ने दिया। अगर शिक्षा का अधिकार दिया, मनरेगा का अधिकार दिया, आदिवासी को जल जंगल जमीन का अधिकार दिया,
लोगों को संविधान की इज्जत और सांस लेने का अधिकार दिया, तो ये सब उस समय कांग्रेस लेकर आई थी। कहीं कमी होगी जिस वजह से हम सत्ता से बाहर चले गए। अब हम 5 नई गारंटियां देश के लिए लेकर आए। हम ये चाहते हैं कि मुल्क की कोई महिला या कोई परिवार भूखा ना सोए, और देश के पास पैसा है, वो पैसा में से 8,300 रुपया हर महीने हर गरीब परिवार की एक महिला को बैंक खाते में दिल्ली में कांग्रेस की अगली सरकार डालेगी। हमारी गारंटी है। हमारा ये मानना है कि हमारे बच्चे भटकते रहेंगे अगर जब तक हम उन्हें रास्ता नहीं दिखाएंगे। वो रास्ता मजहब के आधार पर लड़वाने का नहीं हो सकता, वो रास्ता हमारे बच्चों को अपने पांव पर खड़े करने का हो सकता है। और उसके लिए कंपनियां ट्रेन करेंगी, पर अगर मैं आज ये कहूं कि कलबुर्गी के 500 बच्चों को ले जाकर बैंगलोर में आईटी कंपनी में कोडर लगवा दूं, तो वो नहीं लगाएंगे, वो बोलेंगे तुम्हारा बच्चा ट्रेन नहीं है। अगर मैं कल हमारे दोस्त बैठे हैं बाबा जी डॉक्टर मुस्तफा जी, इन्हें भी कहूं कि भाई 50 बच्चे भेज रहा हूं, आप इन्हें टीचर लगा दीजिए, तो ये कहेंगे नहीं लग सकते। पहले उन्हें टीचर का ट्रेनिंग होना चाहिए, उनके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उन्हें पढ़ाने का सलीका आना चाहिए, तभी तो लगाऊंगा, ऐसे कैसे लगा लूंगा। तो इसके लिए जरूरी है कि हमारे बच्चे ट्रेनिंग हो। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मेरी बड़ी बहन और जो जिनका स्नेह मिलता है यहाँ करीब फातिमा की बेटी, कल मैं इन्हें कहूँ रणदीप को आप अपने घर में खानसामा रख लीजिए और उसे 8,000 रुपया तनख्वाह दीजिए, तो ये बोलेंगे तुम बेवकूफ हो गया, इसे ना चावल बनाना आता, ना बिरयानी बनानी आती, ना तरकारी बनानी आती, ये मेरे किचन खराब कर देगा और ऊपर से मैं इसे पैसे भी दूंगा। पर अगर मैं ये कहूँ कि मैं इस बच्चे को बहन भेज रहा हूँ आपके पास, आप इसे 1.5 साल तक बगैर तनख्वाह के रखिए और आप ट्रेन कर दीजिए, ये कहीं मुफ्त में आ रहा है कोई काम करने के लिए, कोई बात नहीं, मैं मेरे कानसामे के साथ लगा दूंगी और आप रख लेते। हमारा ये कहना है काम ये सिखाएंगे, 1.5 साल बाद बच्चा कानसामा जब बनकर बाहर आएगा तो वो कहीं भी काम कर लेगा। यही ड्राइवर की बात है, अगर मैं वसंत को कहूं तेरी गाड़ी पर ड्राइवर रख ले भाई, ये कहेंगे यार मरवाएगा मुझे, इसको गाड़ी चलानी नहीं आती। पर मैं कहूं आप इसको रखिए, पैसा नहीं देना, 1 साल में ड्राइवर बना दीजिए, फिर मैं इसको ले जाऊंगा। वो पैसा सारा कांग्रेस की सरकार देगी दिल्ली से। हम हर महीने बच्चे को 8,300 रुपया देंगे और ट्रेन कंपनियां, तो बच्चा 1 साल से 1.5 साल में ट्रेन हो जाएगा और फिर अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा। ये युवा के लिए गारंटी है। तीसरी गारंटी है हेल्थ की गारंटी। आज अगर कोई बीमार हो जाए तो मिडिल क्लास उस बीमारी में अस्पताल के खर्चे से गरीब हो जाएगा, गरीब बीमार हो जाए तो फिर वो कर्जदार हो जाएगा। हम सबको पूरे हिंदुस्तान के हर परिवार को 25 लाख रुपए का एक फ्री हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड देंगे, उसमें बाबा का नाम भी लिखा होगा, अम्मा का नाम भी लिखा होगा, हस्बैंड वाइफ का भी, बच्चों का भी, सब का। भगवान ना करे, खुदा ना करे किसी को कैंसर हो जाए, किसी के फेफड़े खराब हो जाए, किसी की किडनी खराब हो जाए, किसी का लिवर खराब हो जाए, किसी का फूला बदलवाना है, किसी का नी रिप्लेसमेंट होगा, तो इतना पैसा लगता है। तो आपको कार्ड ले जाइए, आपको जरूरी नहीं आपको बैंगलोर जाना, हैदराबाद जाइए, किसी अस्पताल को दीजिए, फ्री इलाज होगा, 25 लाख तक हड़ताल देंगे। और गरीब के लिए मनरेगा की गारंटी है, अभी 180 रुपया भारत सरकार देती है, हम उसको बदलकर 400 रुपया करना चाहते हैं हर रोज। कर्नाटक की सरकार 130 रुपया उसमें डालती है, तो जो गांव में गरीब हैं उनको 530 रुपया मनरेगा का हर रोज दिहाड़ी मिलेगी, वो हो जाएगा। ये कांग्रेस की कुछ गारंटी है। वो बोलते हैं उन्हें इसके अंदर से मंगलसूत्र छीनने की वो आती है। भैया अगर ऐसा ही है मोदी जी, तो वो लोग जो बेटियों का शोषण कर रहे हैं और आपके साथ खड़े हैं और आप उनके लिए चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, कम से कम अब तो ये हो गया है, एक नारा था बेटी बचाओ, पर वो ये नहीं मानता भाजपा से बेटी बचाओ बन जाएगा, तो कर्नाटक में तो वो ये हो गया, भाजपा और जनता दल से बेटी बचाओ, वो नारा बदल गया। तो इसलिए मैं आपसे केवल एक दरख्वास्त करूंगा, हम
जब राहुल गांधी कहते हैं कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, इस मुल्क में इतनी नफरत फैल गई है और इस मुल्क के कुछ बाशिंदों के मन तक वो पहुंच गए। एक दूसरे को मजहब की नजर से देखते हैं। अगर कोई ओबीसी है तो कई बार वहां भी अलग अलग नजर से देखा जाता है और एक जाति से दूसरी जाति में भी, सामान्य जातियों में भी भेदभाव आ गया है। अगर एक पूरा मुल्क ही टूट जाएगा तो फिर बचेगा क्या? इसीलिए वो लोग संविधान को तोड़ना चाहते हैं, इसीलिए लोग वो कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात करते हैं। क्योंकि भूल जाइए ना हिंदू मुसलमान को, वो तो 140 करोड़ लोगों का ही राइट टू वोट छीनना चाहते हैं, वो फंडामेंटल राइट छीनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि केवल उनकी सरकार हो, जैसे नॉर्थ कोरिया में, मैं उसे मुझे उसका नाम बताएंगे प्रियांक जी, जो वहां है किम जोंग नाम के एक आदमी है, बड़े मोटे से है, कभी कभी टेलीविजन पे दिखते हो। उससे पहले उनके पिता थे, वहां पार्लियामेंट भी है, चुनाव भी है, आज तक हमें तो मालूम नहीं वोट किसकी है, डालता कौन है, बनता किम जोंग। ऐसे ही चीन में है शी जिनपिंग नाम के एक आदमी है जो वहां के राष्ट्रपति है, वहां भी संसद है, वोट का अधिकार भी है, आज तक ना किसी ने चुनाव होते देखा, ना संसद चलती देखी, वोट में प्यूटिन साहब ही, ना शी जिनपिंग ही बन जाते हैं, ऐसे ही प्यूटिन साहब रशिया में बन जाते हैं। तो एक व्यक्ति ये चाहता है कि हिंदुस्तान का संविधान और हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी, दोनों प्रजातंत्र दोनों खत्म हो जाए। तो इसलिए जो खड़गे जी लड़ रहे हैं, जो राहुल गांधी लड़ रहे हैं, जो हम सब लड़ रहे हैं, जो कनीस फातिमा प्रियांक खड़गे लड़ रहे हैं, वो डेमोक्रेसी को, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। इस देश की गंगा जमनी तहजीब को, यहाँ के भाईचारे को बचाने की लड़ाई है। इसलिए आपका वोट केवल एक एमपी चुनने का नहीं, आपका वोट बाबा साहब अम्बेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, वल्लभ भाई पटेल ने और लाखों लोगों ने जो संविधान बनाया था जिसमें सब बराबरी का अधिकार है, उसे बचाने की लड़ाई है। इसलिए मेरी आपसे एक ही दरख्वास्त है, आप सब समाज के लीडर साहिबान हैं, हमारी माताएं भी बैठी हैं, हर वो वोट जो आप डालेंगे वो इस मुल्क को मजबूती देगा, कांग्रेस के हक में जो आप डालेंगे, हर वो वोट जो आप डालेंगे वो मोहब्बत को मजबूती देगा, हर वो वोट जो आप कांग्रेस को डालेंगे वो इस मुल्क के संविधान को मजबूती देगा, हर वो वोट जो आप कांग्रेस के हक में डालेंगे वो इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को मजबूती देगा, और हर वो वोट जो आप कांग्रेस को डालेंगे वो हिंदुस्तान में इंसानियत को जिंदा रखेगा। इसलिए मेरी आपसे एक ही दरख्वास्त है, इंसानियत के लिए, संविधान के लिए, भाईचारे के लिए, मोहब्बत के लिए कांग्रेस का जीतना जरूरी है और उस जीत में आपकी भागीदारी जरूरी है, इसमें आप जरूर हिस्सेदारी कीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। This video presented by Sabha International School Gulbarga, students getting both Islamic and modern education from well-qualified teachers, indoor and outdoor games, and receive care from dedicated staff, air conditioners, smart classes, admission are now open, contact for more details.